सो विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट प्रिफर्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉल्ट ब्रिज में प्रिफर नहीं होगा? ए KCl, सी NH4NO3, बी KNO3 और डी NaCl। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज करता क्या है और कहाँ यूज़ होता है, कौन से सेल में यूज़ होता है। सो देखिए, आपको पता है जो गैल्वेनिक सेल होता है क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, उस सेल में होता क्या है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है। जब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है तो उस दौरान केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। वो केमिकल एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन में, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये होता है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल जो होता है वो जो है, गैल्वेनिक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, कितने होते हैं, टू हाफ सेल्स होते हैं। एक हाफ सेल में हमें पता है ना गैल्वेनिक सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होता है। इतनी बात समझ में ठीक। अब कैसे हम समझते हैं डैनियल सेल से, डैनियल सेल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डैनियल सेल होता है जिंक और कॉपर से बना हुआ गैल्वेनिक सेल। इसमें होता क्या, रिएक्शन होती क्या है, इसमें होता है ZnSO4 प्लस CSO4 से बनता है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, मतलब इसमें होता क्या है कि जो जिंक होता है वो आपका एनोड की तरह यूज होता है और कॉपर जो है वो कैथोड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे देखिए होता क्या है, हमने बोला कि गैल्वेनिक सेल बनाने हैं, गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट करता है टू हाफ सेल, एक में ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, आपने दो बीकर लिए, ठीक है, दो बीकर आपने लिए, ओके। अब इस बीकर में आपने क्या करना है, जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आपका रिएक्टेंट होता है उसे फिल कर देना है, जैसे हमने किया है इसमें जिंक सल्फेट और इसमें हमने किया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ये होता है आपका ब्लू कलर का, इसे बोला जाता है ब्लू विट्रोल, इसे बोला जाता है ग्रीन विट्रोल, ओके। अब जो आपका जनरली जो लेफ्ट साइड में रखा जाता है बीकर, उसमें होता है ऑक्सीडेशन, ओके, और जो राइट साइड में रखा जाता है उसमें होता है आपका रिडक्शन एज अ रिप्रेजेंटेशन। अधिकतर वो यही बुकों में होता है कि इधर वाले को ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन बनाया जाता है, ओके। अब आपने क्या किया, इसमें आपने क्या लेने हैं, इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटल की रॉड्स होती है जिनका काम होता है करंट को कंडक्ट कराना होता है, ओके। सो आपने इसमें ली जिंक की रॉड और दूसरे बीकर में आपने ली कॉपर की रॉड, दोनों ही मेटल्स हैं, ठीक है। दोनों क्या कराएंगे, करंट को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेटल की रॉड, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ जोड़ देंगे एक बल्ब, पता तो चले कि सेल वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ओके। अब क्या होता है, अब हम जिंक को हमने ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल में ही क्यों
इलेक्ट्रोड डिप किया इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। ये जिंक और जो जैडन एस फोर कॉपर से, ये कॉपर सल्फेट क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहते हैं, जिन्हें वाटर में डालते ही वो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। ये जो इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा जैड एस ओ फोर और कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, उसमें ये क्या होंगे, आयंस की फॉर्म में होंगे। ये भी इस तरीके से कॉपर टू प्लस और एस ओ फोर टू नेगेटिव फॉर्म में होंगे, ओके। अब क्वेश्चन ये था कि जो जिंक है हमने इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्यों रखा, रिडक्शन वाले में क्यों नहीं रखा। वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जिंक जिंक का जो क्योंकि जो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है कॉपर से। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ये बताता है कि आपके मेटल की कितनी क्षमता है ऑक्सीडेशन करने की, टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। तो कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये ज़्यादा प्रीफर करेगा अपने आप को ऑक्सीडेशन करना और उसके रिस्पेक्ट में इसे मजबूरी में रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर जिंक और कॉपर के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन करा के दिखा करानी है और जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब क्या होगा, ठीक है, अब जिस इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में डिप करते हैं उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, ओके। और जिस इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन वाले हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं दैट्स अ कैथोड। अब देखिए होगा क्या, जैसी एनोड की हम बात करें, जैसे हम इस इलेक्ट्रोलाइट को इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपना करना स्टार्ट कर देगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू कॉपर वेरी हाई है। सो अब ये जो जिंक है ये ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जैडन टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। मतलब जैसे जैसे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा वैसे वैसे ये जो रॉड है इसकी विड्थ क्या हो रही होगी, थिन हो रही होगी, वो डिक्रीज हो रही, इसकी जो चौड़ाईपन है वो घट रहा होगा, ओके। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो जैडन टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ओके। अब ये डिसोसिएट होगा दो फॉर्म में, ये दो डिसोसिएट होगा जैडन टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन। जो जैडन टू प्लस होगा वो इस सॉल्यूशन में चला जाएगा ये आयंस जैडन टू प्लस, और जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड में रहेंगे, ठीक है। अब ये टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये मोशन करेंगे इधर के तरफ, क्यों, क्योंकि कैथोड में होने वाला है रिडक्शन। कैथोड में होगा क्या, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने कॉपर सल्फेट डाला, एक्वस सॉल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जो कॉपर होगा यहाँ पर वो Cu2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा, ओके। अब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो हुए वो उन दो इलेक्ट्रॉनों को जो है वो है जो ये कॉपर 2+ है वो क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। Cu2+ जब इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा तो बनाएगा कॉपर, और ये कॉपर बन रहा है और ये कॉपर सॉलिड बन रहा है, और ये कहाँ डिपॉजिट होने लगा, यहाँ। जब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा होगा तो इसकी विड्थ बढ़ रही होगी, इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर, और जिस, ठीक है, जिससे बल्ब जलेगा और बुझ जाएगा उसी समय, इमीडिएटली ग्लो करेगा, इमीडिएटली स्टॉप्ड हो जाएगा ग्लो करना। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में
देखा होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने देखा जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में, और इधर जब रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड में इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जा रहा, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में मेजॉरिटी में कौन है नेगेटिव और इसमें कौन है पॉजिटिव। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो है वो इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन करने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि यदि ये ऑक्सीडेशन करता रहा तो और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में जनरेट होता जाएगा जिससे रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अब इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन करने से रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से इतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सो वो इसे ऑक्सीडेशन करने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीडेशन करता है तो Zn2+ सॉल्यूशन को दे रहा है, तो वो Zn2+ जो है सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव Zn2+ को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जिस वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करना बंद कर देगा। जब ये इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करना बंद कर देगा तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मोशन नहीं करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा इधर तो आपका ये रिडक्शन भी नहीं होगा, और जब ये रिडक्शन ही नहीं होगा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, और रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तो केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं होगी। सो अब सॉल्ट ब्रिज का काम आता है। सॉल्ट ब्रिज इस चीज़ को क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, अब कैसे सॉल्ट ब्रिज काम करता है देखिए। ठीक है, ओके, अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा देखिए। सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, अभी हमने बताया सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि एक समय आएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से अब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो इसमें Zn2+ सॉल्यूशन में आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज Zn2+ को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन करना बंद कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से जब ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं कर पाएगा तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा, और रिडक्शन नहीं होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब क्या होता है सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज होता क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है, मतलब उल्टी यू शेप की एक ट्यूब है, ऐसे। ठीक है, अब इसे सॉल्ट ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके सबसे पहले ब्रिज का काम होता है जो दो किनारों को जोड़े, तो ये क्या करता है, ये जो ट्यूब है ये दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, इस तरीके से, ओके। और सॉल्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर होता है सॉल्ट, क्या होता है सॉल्ट, ओके। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, वो होता है आपका KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4HNO3 हो गया, ये होते हैं। अब इसके अंदर सॉल्ट क्यों भरा जाता है, वो इसलिए भरा जाता है क्योंकि आपको बताएं कि जब ये ऑक्सीडेशन करता रहेगा तो इस सॉल्यूशन में जो होगा वो Zn2+ के चार्ज मेजॉरिटी में होंगे, और इसमें रिडक्शन करने के बाद इसमें SO4 नेगेटिव के चार्ज मेजॉरिटी में होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखिए क्या होता है, इस सॉल्ट ब्रिज में हमने कंसिडर कर दिया, इस सॉल्ट ब्रिज में आपने KCl कंसिडर कर दिया, क्या कर दिया, KCl कंसिडर कर दिया। अब आपने इसके अंदर KCl कंसिडर कर दिया तो अब होता क्या है,
सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सॉल्ट ब्रिज में आपने इन्हीं सॉल्ट क्यों भरा जाता है, उसके अलावा और क्यों नहीं भरे जाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज में उन्हीं सॉल्ट को भरा जाता है जिसमें कैटायन एंड अनायन का कंपेरेबल साइज हो। जब कंपेरेबल साइज होगा तो कंपेरेबल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। ये मेन रीज़न है, कंपेरेबल वेलोसिटी मतलब होगी, मतलब एक कंपेरेबल ट्रांसपोर्ट नंबर होगा दोनों का, ठीक। तब क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन इस वजह से रुक पा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यदि हम किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ने ना दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा। ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता रहेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होता रहेगा। रिडक्शन होता रहेगा तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो केमिकल एनर्जी जनरेट होगी, और केमिकल एनर्जी जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम क्या करते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज में हम ये क्या कर देते हैं, सॉल्ट को भर देते हैं। अब यहाँ Zn2+ पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में, तो इसमें क्या होता है, ये KCl है वो इस सॉल्यूशन में जाता है, और इस सॉल्यूशन में जाके ZnCl को Zn Cl2+ के साथ सॉल्ट फॉर्म करता है, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में था तो KCl इसके साथ जाके सॉल्ट फॉर्म कर देता है K2SO4, जिस वजह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है, जिस वजह से अब करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रॉन 100% डिकम्पोज ना हो जाए, और तब तक आपका बल्ब जलता रहेगा। सो, इसका आंसर आपका है NaCl, क्योंकि Na और Cl का जो साइज होता है वो कंपेरेबल नहीं होता है, जिस वजह से इसका आंसर NaCl है। दूसरा, गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड एनोड। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है जिसमें जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं, यस। तो इसका आगे अगला, अ सेल इज प्रिपेयर बाय डिपिंग अ कॉपर रॉड इन 1 mm कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन रॉड इन 2 mm FeSO4 सॉल्यूशन, व्हाट आर द कैथोड एनोड। सो आपको मैं पहले बता दूं कि कैथोड उसे बोलेंगे जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाएगा गैल्वेनिक सेल में, जो रिडक्शन करना पसंद करे। रिडक्शन करना पसंद करने का मतलब है जिसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, और एनोड वो होगा जो ऑक्सीडेशन करना पसंद करे। ऑक्सीडेशन करने का मतलब है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो आपको मैं बता दूं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो आयरन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब आयरन की जो टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करने की वो कॉपर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आयरन होगा आपका एनोड और कॉपर होगा आपका क्या, थर्ड। सो इसका आंसर है आपका बी, इट्स योर आंसर इज बी, ओके।